हेलो स्टूडेंट, यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि इफ द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द सन वेयर हाफ ऑफ द प्रेजेंट डिस्टेंस देन द ड्यूरेशन ऑफ द ईयर वुड हैव बीन नियरली। देखिए, आपको हम केपलर्स लॉ पढ़ाए थे, उसमें बताए थे कि जब भी कोई प्लेनेट सन के अराउंड घूमता है, जैसे कि ये सन है और अर्थ इसके चारों तरफ मान लीजिए कि घूमता है, ठीक है, तो इसके सेंटर के बीच का दूरी है स्मॉल आर, तो जो टाइम पीरियड होता है उसका स्क्वायर प्रोपोर्शनल होता है आर क्यूब का, ठीक है। ये केपलर का जो तीसरा नियम है ना, लॉ ऑफ टाइम पीरियड्स, जो हम आपको ग्रेविटेशन में पढ़ाए थे, उसी पे ये बनेगा। तो टाइम पीरियड का जो स्क्वायर होगा वो आर क्यूब का प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो आप समझिए कि यहाँ फर्स्ट केस में मान लीजिए टाइम पीरियड है टी वन का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आर वन का क्यूब। सेकेंड केस में मान लीजिए टाइम पीरियड टी टू का स्क्वायर है और यहाँ पर डिस्टेंस चेंज होके होगी आर टू, तो जब इसको डिवाइड करिएगा तो ये हो जाएगा टी वन बाई टी टू का होल स्क्वायर इक्वल टू आर वन बाई आर टू का होल स्क्वायर होल क्यूब, है ना। अब देखिए, टाइम पीरियड अभी हम लोग का होता है 365, तो टी वन को रख दिए 365, टी टू हम जानते नहीं है, निकालना चाहते हैं, है ना। और आर वन बाई आर टू जो है, इसमें आप देखिए कि बोला है जो डिस्टेंस होगा हाफ हो जाएगा, मतलब कि अगर आप आर वन यहाँ लिख रहे हैं तो आप डिस्टेंस आर टू को हाफ कर दीजिए, आप ऐसे लिख दीजिए इसका क्यूब, है ना। तो यहाँ से आर वन कट गया, ये आ गया 365 बाई टी टू का होल स्क्वायर इक्वल टू आर वन कट गया, टू चला गया ऊपर, मतलब ये हो गया 8, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए कि ये हो गया आपका 8। अब यहाँ पर देखिए कि आपको टी टू चाहिए, तो टी टू का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 365 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8, है ना। ये 365 का स्क्वायर और नीचे 8 आ गया, टी टू चला गया उधर, तो ये टी टू हो जाएगा आपका 365 डिवाइडेड बाई 2√2, ठीक है। अब हम इसको करेंगे डिवाइड, तो देखिए 365 को डिवाइड किए हम पहले 2 से, फिर डिवाइड किए 1.414 से, तो ये लगभग 129 आ रहा है, मतलब कि टी टू जो है वो हो जाएगा 129 डेज। तो होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। थैंक यू।